ये हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और ब्रांच से ऊपर जाके एक और ब्रांच बनाया, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर ऐसे चेन बना करके सबसे बाहर निकला है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, मतलब इंटीग्रेटेड टाइप दिख रहा है। और जो ये जो आपका जो अंदर में जो है चेन टाइप है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हाइड्रोप्रोटिक अल्फा हेलिक्स। और जो है ये गोला गोला जो है इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो लिपिड दो प्रकार का है इसमें, ग्लाइकोलिपिड जो है ये वाला है ना, ये जो पतला पतला सा लाइन लाइन गया है, और ये जो गोला गोला है ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। बाकी ये लिपिड और इंटीग्रेटेड हो गया तो उसको प्रोटीन बोल देंगे, लिपिड मिल के प्रोटीन बना दिया। चलिए स्ट्रक्चर तो देख लिए, स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ इतना साइड पढ़े तो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं तुरंत, ताकि माइंड में कुछ जाए उनको, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड लीड सेल वॉल। सही है, सही है। प्लांट के पास वैक्यूल होता है बड़ा सा और सेल वॉल भी होता है ना, ये पहला सही है। सेंट्रियोल और सेंट्रीविजन है, सेंट्रियोल किसके पास होता है, एनिमल्स के पास, सेंट्रीविजन के लिए होता है, लेकिन वो एनिमल सेल होता है, प्लांट में नहीं होता है। सेंट्रोजोम वो भी किसमें होता है, एनिमल सेल में, जो इनएक्टिव होता है। और अब्सेंस ऑफ सेल मेंब्रेन, सेल मेंब्रेन तो सब में रहेगा, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक एंड प्लांट सेल, कौन सा ऐसा चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। सेल वॉल, वेरी गुड, सेल वॉल जो है दोनों में है, बाकी तो नाम अभी आप तक सुने नहीं। नेक्स्ट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग को पढ़ना था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। मोटा मोटी यही तीन चीज था, बाकी फॉस्फोलिपिड में एक और लिपिड था, लेकिन मोटा मोटी यही चीज था। तो ये फॉस्फोलिपिड क्या है, ये एम्फीफिलिक नेचर का है। एम्फीफिलिक, फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग, एम्फी मतलब क्या होता है, एम्फीबियन, जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे। तो ये मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है और इंटीग्रिटी देता है, मतलब रिजिडिटी और स्ट्रेंथ, मजबूती देता है फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड का टेक केयर करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी लिक्विड है उसका देखभाल कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। और प्रोटीन क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको कहां से कहां ले जाना है डिपार्टमेंट में बांट के, है ना, उसको मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर तो आप देखिए, है ना। नेक्स्ट, तो डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग तभी पढ़ सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पढ़े थे हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ये है, ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है 1950 में। तो केमिकल स्टडी जो है सेल मेम्ब्रेन का है, जो है जनरली ज्यादातर आरबीसी में किया गया है, ठीक है। इससे पता चला साइंटिस्ट को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए आरबीसी का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हम उसका केमिकल स्टडी कहां से हुआ है, रेड ब्लड कॉर्पस आरबीसी, आरबीसी के अध्ययन करने से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से। नेक्स्ट, तो जो मेजर लिपिड होता है, जो फॉस्फोलिपिड्स होता है, ये दो लेयर में होता है। फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर देखे थे आप, लिपिड जो है मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होता है, इसमें एक पोलर हेड होता है बाहर की ओर और हाइड्रोफोबिक टेल्स होता है अंदर की ओर। बाहर की ओर हेड होता है और अंदर की ओर टेल होता है, जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो पानी को दूर रखेगा। फोबिक मतलब डर, एग्जामोफोबिया मतलब क्या होता है, एग्जाम से किसी को डर लगता है। फिलिक मतलब क्या होता है, प्यार, ठीक है, यहाँ फोबिक है। तो जो तेल है, तेल अंदर की ओर होगा, मतलब इसका हेड और टेल होता है, मतलब तुम किसी का मुंह और किसी का पूंछ, तो जो पूंछ है वो कहाँ रहेगा, अंदर की ओर, और जो उसका हेड है वो कहाँ रहेगा, बाहर की ओर। ये लिक्विड का ध्यान रखिएगा ये बात। इसके बाद जो है नॉन पोलर टेल, पोलर हाइड्रोकार्बन टेल जो है ये अंदर की ओर होता है, नॉन पोलर टेल जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ये एक्वस एनवायरनमेंट से बचाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है वो, उसको पानी से बचाना पड़ेगा, क्योंकि पानी से वो भागेगा, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टेल जो है हाइड्रोफोबिक होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, अगला चीज ये
ये है कि फ्लूड मोजाइक मॉडल ये आपको दिखाया हुआ है प्रोटीन का सारा। तो जिस मॉडल जो है कुछ कौन किए थे, सिंगर और निकोलसन 1972 में। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है जिसको बोलते हैं फ्लूड मोजाइक मॉडल, ठीक है। ये बताया था कि प्रोटीन जो है एक बहुत सारे लिपिड्स का समुद्र है, उसमें एक आइसबर्ग प्रोटीन है उस तरह से है, ठीक है। तो ये जो सब समुद्र है, पूरा समुद्र में जो आइसबर्ग है ये ब्लू ब्लू ब्लू, ये क्या है, प्रोटीन है। तो इस मॉडल के अनुसार जो है जो भी फ्लूड है लिपिड का, नेचर में लिपिड जो है फ्लूड की तरह काम कर रहा है, जो प्रोटीन को लैटरल मूवमेंट में मदद कर रहा है, ठीक है। और ये एबिलिटी जो है इसको फ्लूडिटी बताता है। कहने का मतलब जो है लिपिड को मूवमेंट कौन हेल्प कर रहा है, प्रोटीन को, सॉरी प्रोटीन क्या काम करता है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन कर रहा है, उसको लिपिड कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे किनारे वाला प्रोटीन है इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इतना लंबा सा, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर है, दिख रहा ना, दो किनारे वाला है, ये सब पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये सब जो लाल लाल है ये कार्बोहाइड्रेट है, ये सब से मिल के बना है, बोला बोला। अब ये बड़ा सा बोला जो है इंटीग्रल प्रोटीन है, और बड़ा सा बोला में अगर बीच में कोई चैनल टाइप आ जाए वाइट, तो इसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन, ठीक है। खाली बस ये फिगर आप माइंड में रखना, बाकी आप याद रखो कि ये मॉडल जो है फ्लूड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। अब मॉडल का नाम कौन दिए थे, सिंगर और निकोलसन दिए थे 1972 में। और अब इसमें ध्यान क्या देना है, लिपिड्स जो है एक लेयर से दूसरे लेयर में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, जो प्रोटीन नहीं कर सकता। प्रोटीन एक लेयर से दूसरे लेयर में नहीं जा सकता, लेकिन लिपिड्स जा सकता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है। ये छोटा छोटा क्या है, ये मान के चलिए छोटा छोटा रसगुल्ला है, ये बड़ा सा क्या है, राजभोग, जानते हैं अपन, खाए कभी। तो ये रसगुल्ला जो है ये लिपिड है, तो ये मूवमेंट कर सकता है क्योंकि वो छोटा है ना, तो वो मूवमेंट कर सकता है एक लेयर से दूसरे लेयर में, मतलब नीचे से ऊपर जा सकता है। लेकिन प्रोटीन वो मूवमेंट नहीं कर पाता क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है। लेकिन हाँ, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, लैटरल मूवमेंट तो कर सकता है ना, मतलब ऐसे तो जा सकता है ना, तो लैटरल मूवमेंट करेगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा लेकिन साइड जब ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा। वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, हम नीचे से ऊपर गए, हम आगे चल गए, तो लैटरल मूवमेंट प्रोटीन करेगा, ठीक है, एक ही लेयर में करेगा, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर प्रोटीन नहीं जा पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बार। तो फॉस्फोलिपिड जो दो बाई लेयर है प्रोटीन, उसमें दो प्रकार का होता है, पेरिफेरल प्रोटीन और एक इंटीग्रल प्रोटीन। आप देख चुके हैं पेरिफेरल है गोला वाला है ना, और इंटीग्रल है बहुत बड़ा वाला गोला। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है इंटेंसिव होता है और पेरिफेरल जो है एक्सटेंसिव होता है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होता है ये बाहर की ओर होगा, देख रहे हैं ये सब बाहर बाहर है, और ये वाला अंदर है, तो ये अंदर होगा, ठीक है, मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट होगा। तो एक्सट्रैक्शन के इस के आधार पे मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग जो है दो टाइप में बांटते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल, ठीक है। पेरिफेरल मतलब वो सरफेस पे रहेगा, और इंटीग्रल मतलब वो अंदर भी रहेगा और सरफेस पे भी रहेगा, मतलब पार्शियली अंदर बरीड रहेगा, वो दुबा रहेगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सारे सेल में होता है, सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में और प्रोकैरियोटिक सेल में होता है ना, प्रोकैरियोटिक जो भी हो। ये सेलेक्टिव परमिएबल है और ये फुल्ली परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब ये पहरेदार की तरह काम करता है, चौकीदार की तरह, वो पहले चौकीदारी करेगा तुमको अंदर जाना है कि नहीं जाना है, वो सिलेक्ट करेगा पहले, ठीक है। आप सेल के अंदर घुस सकते कि नहीं घुस सकते, ये पहले सिलेक्ट करेगा, आपको जज करेगा, तब घुसने देगा कोई भी मटेरियल। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल है, ये सेल वाल कुछ भी आओ अंदर चल जाओ, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेगा जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। ये लिविंग नेचर का होता है, ये नॉन लिविंग होता है, सेल वाल नॉन लिविंग होता है, याद रखिएगा, प्लांट सेल है उसमें ऐसे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिविंग होता है, मतलब ये मूवमेंट होगा क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से बनता है और कोलेस्ट्रॉल से बनता है ना। ये जो है किससे बना होता है, अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज से बना रहता है, बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लिकाइन से बना होता है, और फंजाई है तो प्रोटीन से बना होता है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत आता है इसके दोनों टॉपिक से, ये दोनों स्लाइड से दबा के क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, तो बताइए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, आप क्वेश्चन बताइए।
प्रत्येक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो सेल मेम्ब्रेन में होता है उसमें एक हेड होता है और दो अनपोलर टेल होता है। सही बात है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है सेल मेम्ब्रेन में उसमें एक पोलर हेड होता है और दो अनपोलर टेल होता है। सही है कि गलत है? हेड और टेल तो होता है, टेल दो होता है और हेड एक होता है। हेड तो एक होता है, कंफर्म है। अब टेल दो होता है कि एक होता है? ऐसे कैसे होगा? सही तो है, दो नॉन पोलर टेल। हाँ नॉन पोलर ही तो होगा, पोलर होता है हेड, ब्लड पोलर होता है, हेड भी होता है। नहीं सही है, ऑलरेडी अभी पढ़ा है कि एक पोलर हेड होता है और दो नॉन पोलर टेल होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है। तो एक हेड है और दो टेल है, अभी तो पढ़े हम लोग। नेक्स्ट, जितना भी इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा होता है, ए फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा होता है और ये पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो नॉन पोलर होगा हाइड्रोफोबिक होगा, ये पढ़े हम लोग है ना। सेल मेम्ब्रेन किस में नहीं होता है? सबसे पहला क्लास में आपको क्या बताया थे? सबसे पहला क्लास सेल के प्रोटोप्लास्ट में। हाँ वो थोड़ा दिखा दीजिए, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए सेल में अगर सेल वॉल को हटा देते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनता है? प्रोटोप्लास्ट। सबसे आउटर लेयर को हटा दिए, सेल मेम्ब्रेन ही हटा दिए, सेल मेम्ब्रेन हटा दिए तो क्या बना? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस भी हटा दिए तो क्या बना? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाद जो बाकी चीज ऑर्गेनेल्स है उसको भी हटा दिए तो क्या बना? साइटोसोल। अब स्ट्रक्चर आप क्वेश्चन को बताओ, सेल मेम्ब्रेन किस में नहीं होता? प्रोटोप्लाज्म में भी सेल मेम्ब्रेन नहीं था, साइटोप्लाज्म में तो होगा ही नहीं, प्रोटो सेल मेम्ब्रेन हटने के बाद इसमें तो न्यूक्लियस भी हट गया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में इसमें भी हटा हुआ है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन आपका सही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये कौन दिए थे आपको? बताया था, बताइए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन साइंटिस्ट का नाम बताया था आपको? इतना बता रहे हैं 1972 में दिए थे। ए बी सी डी कौन सा नाम पढ़े अभी? सिंगर एंड निकोलसन, बी ऑप्शन पढ़े ना, ऑलरेडी हम बोले भी थे कि इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर पढ़े थे समझ में आया? एक बार रुक के उनको मॉडल दिखाइए। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्या लिखा हुआ यहाँ? सिंगर एंड निकोलसन 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जब पढ़ रहे हैं तो आंख और दिमाग दोनों खोल रखना है, खाली आंख नहीं खोलना है। तो सिंगर एंड निकोलसन हो गया बी ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा इसमें सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है? ये नील 2007 में आया, बताइए कौन सा नाम इसमें से आप नहीं पढ़ा लग रहा है आपको? पहले ही बताइए, प्रोलिन। बस यही नहीं है, ग्लाइकोलिपिड्स पढ़े आप, फॉस्फोलिपिड्स पढ़े, कोलेस्ट्रॉल पढ़े, तो प्रोलिन नहीं पढ़े, तो यही नहीं है कंस्टिट्यूएंट है ना, बी ऑप्शन नहीं है। देखिए इसमें बैक कीजिए, थोड़ा डिटेल्स भी बता दिया है पूरा। केमिकली जो है लिपिड्स में करीब करीब 20-70% लिपिड्स होता है, ठीक है। प्रोटीन्स में 20-70% होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 1-5% होता है, वाटर होता है 20%। इंपॉर्टेंट लिपिड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? फॉस्फोलिपिड्स, करीब 100 टाइप्स का फॉस्फोलिपिड्स होता है उसमें। कोलेस्ट्रॉल होता है, एस्टेरोल्स भी बोलते हैं उसको, ग्लाइकोलिपिड्स होता है, स्पिकोलिपिड्स भी होता है जिसको स्पिकोमाइलिन सेरेब्रोसाइट्स भी बोलते हैं। प्रोटीन्स फाइबर्स भी हो सकता है, ग्लोबुलर भी हो सकता है। तो ये सब तरह मतलब हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन्स और सेल वॉल होता है। अब बताइए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आपके माइंड में रखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन्स के आधार पे प्रोटीन्स जो है फ्लिप फ्लॉप कर सकता है, लिपिड्स नहीं कर सकता है, ना ही लिपिड ना ही प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप मतलब समझ रहे ना,
फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब डी मतलब पलटने वाला फ्लिप मतलब वर्टिकल मूवमेंट है ना, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे है ना। तो वर्टिकल मूवमेंट जो है प्रोटीन कर सकता है लिपिड नहीं कर सकता है, दोनों में से कोई नहीं कर सकता है, दोनों कर सकता है लिपिड कर सकता है प्रोटीन नहीं कर सकता है, बताइए। अभी हम बताए आपको कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन जो है लैटरल मूवमेंट कर पाता है, नीचे से ऊपर नहीं जा पाता है, लेकिन लिपिड करता है क्योंकि वो छोटा होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, समझ गए। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग बताइए, 2012 के नीट के क्वेश्चन में आया है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन्स जो है करीब 60-70% होता है सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड्स जो होता है दो लेयर में होता है, पोलर हेड होता है इनर पार्ट में, ब्लूड मोजाइक मॉडल जो होता है ये सिंगर और निकोलसन दिए थे, कौन सा पार्ट सही है। अभी हम लोग पढ़े हैं ब्लूड मोजाइक मॉडल कौन दिए थे, सिंगर और निकोलसन, यही सही है। इसमें क्या गलती किया, लिपिड्स बाई लेयर में होता है लेकिन पोलर हेड किधर होता है, आउटर पार्ट में होता है, इनर पार्ट में क्या होता है नॉन पोलर टेल जो हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें क्या गलती किया, प्रोटीन जो है 60-70% सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन नहीं होता, 60-70% क्या होता है लिपिड होता है ना, प्रोटीन तो 10-25% के आसपास होता है, सोडियम और पोटेशियम ये तो आप बाद में पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट में, है ना। नेक्स्ट डी ऑप्शन सही था आपका, देखिए इसमें लिख भी दिया पूरा डिटेल्स भी, सिंगल निकोलसन इसमें 50-60% प्रोटीन, बाकी जो है लिपिड्स, ये जो है हाइड्रोफिलिक जो है ये क्या है पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड से यहाँ लिख रहा ना, वहाँ इनवर्ड दिया था। सेल मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ये सही है। पहला ऑप्शन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ कुछ होता है, तो ऑप्शन दिखाइए यहाँ पर क्या दिखा था, सोडियम और पोटेशियम आयन जो है सेल मेम्ब्रेन में पैसिव ट्रांसपोर्ट से नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव होता है, ठीक है। बाकी सब पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है लेकिन सोडियम और पोटेशियम आयन कौन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी में पैसिव होता है, तो पहला ऑप्शन भी आपका क्या गलत था मालूम चल गया। नेक्स्ट जहां पे सेल वॉल रेगुलेट नहीं होता है वहां पे क्या पास किया जाता है, सेलेक्टिवली रेगुलेट करता है कंटेंट्स को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेलेक्टिवली, मतलब करने का मतलब कि सेल वॉल से सब कुछ आ गया अंदर, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको सेलेक्टिवली अंदर भेज रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मतलब सेलेक्ट करके अंदर ला रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे सेलेक्टिव परमेबिलिटी, है ना, पास कर रहा है सेलेक्ट करके पास कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम बोलते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होता है एनिमल सेल का, सेल मेम्ब्रेन जो है सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का, सही बात है, दोनों सही है, क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होता नहीं है, तो सेल वॉल नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट होगा, और प्लांट सेल में पहला सबसे आउटर मोस्ट कौन होता है, सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल आता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा सेकंड वाला आउटर मोस्ट, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हम लोग साल्ट वाटर से गार्गल क्यों करते हैं, हम लोग जो पानी लेकर करते हैं ना वो उसमें नमक क्यों डालते हैं, ये क्वेश्चन है आपसे, हम लोग जो गलगला करते हैं उसमें नमक क्यों डालते हैं, जैसे आपको खांसी हो गया सर्दी खांसी होता है ना, तो आप बोलते हो ना गर्म पानी करो उसमें नमक डालो और गलगला ऐसे करो गलगला करो, उसमें नमक क्यों डालते हैं। यही है ट्रांसपोर्ट, मतलब लाजा मेम्ब्रेन में दो टाइप का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए वो करना पड़ता है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयन्स और पोटेशियम आयन्स डालते हैं वो नमक, नमक सोडियम क्लोराइड नमक डालेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो जल्दी रिकवर हो जाइएगा, है ना, तो ये चीजें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि इसका अच्छा मतलब अध्ययन करना पड़ेगा आपको। ओके थैंक यू।